तो हमरे मां इस समय इस सुंदर गीत के लगे हमरे बहुत बहुत धन्यवाद देला कि हमरे मां प्रभु जे के परफेक्ट के आधार में हमरे के मिले रहा मूल विषय पर जे संदेश हमरे मां के भाई एवरेज रोहन दा के द्वारा से संदेश हमरे मां सुना तो हमरे मां इस समय अनुरोध करेला आग्रह करेला कि अपने मन के इस मंच में इस जगह पर आकर के संदेश के दे पाए। आइए हम सिर सिराम प्रार्थना करें। ते अनुग्रह करें पिता परमेश्वर हम पर धन्यवाद देते हैं। आज का दिन हमारे जीवन में दान स्वरूप किया कि हम तेरी महिमा स्तुति करें और आज विशेष करके हमारे इस मंडली का पवित्र गिरजाघर का संस्कार करने सके हैं या तेरी पवित्र इच्छा केंद्र मंडली के भाई बहनों को तेरा हाथ समर्पित करते हैं जो अगुवाई दिया आशीष दिया ताकि पवित्र गिरजाघर निर्माण करने में अपना सहयोग दे सके और आज पूरा करते हम पद किया है। पिता परमेश्वर से हम तेरे हाथ में समर्पित होते हैं तो आप ही इस समय अपने पवित्र वचन से हम सबको अपना आशीष प्रदान कर ताकि तेरी इच्छा के अनुसार अपना जीव व्यतीत कर सकते और तेरी महिमा के लिए तैयारी कर सकते। धन्यवाद प्रार्थना यीशु के नाम से मांगकर दया से सुन और साथ में ग्रहण कर आमीन। आज का मूल वचन जो लिया गया वो हम सबों को पता है। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया, परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद के संतान को होशाना पुकारते हुए देखा तो वे क्रोधित हुए और उससे कहने लगे, क्या तू सुनता है कि वे क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने वह कभी नहीं पढ़ा? बालकों को दूध पीते बच्चों के मुंह से तू अपार करीब करीब 46 वर्ष में तैयार हुआ, उसके बाद ही बना 20 वर्ष में तैयार हुआ। उस मंदिर में अब तीन भाग है, वेदी भाग जो पूरा पूरी ओर है और विशेष भाग है जहाँ पर जाजक और महाजाजक लोग बैठते थे और भाग का अंश है जहाँ पर केवल यहूदी जाति के लोग बैठते थे, स्तुति आराधना करते थे। इसलिए यहाँ पर यहूदी और अन्य जातियों के लिए ये गिरजाघर बना, यरूशलेम मंदिर बना। आज भी लुकरच समाचार या मार्क सुसमाचार का अध्ययन करेंगे, यह घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। यह मत्ती में नहीं लिखा गया लेकिन लोक रचित समाचार और मत्ती रचित समाचार में लोक रचित समाचार और मार्क समाचार में देखेंगे यहाँ पर कहा गया यह घर सब जाति के लोगों के लिए प्रार्थना का घर होगा। यह हम अन्य लोगों के लिए भी जगह देते हैं, देखते हैं, देने का प्रयास करते हैं और यह सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर सचमुच में है। यरूशलेम में वैसा विभाजन होने के कारण जो यहूदियों के लिए
रिजर्व जगह था, वहां पर कोई दूसरा नहीं करते थे, प्रवेश नहीं करते थे। और जो उसारे था बाहर तीसरा भाग में, अन्य जाति लोग, अन्य लोग जो आकर के ईश्वर की स्तुति आराधना करते थे, ऐसा जगह दिया गया था। लेकिन ऐसा जगह में अब यीशु के दिनों में ये बाजार हुआ करता था, इसलिए आज के वचन में जो कहा गया है मंदिर का शुद्धिकरण या पवित्रीकरण उसका हेडिंग है, शुद्ध किया जाना मंदिर में। जो बहुत आराधना करने का जगह को बाजार का जगह बना दिया, जहाँ पर बलिदान के लिए पशु वो रखे जाते थे, चाहे बलिदान के लिए पैसे अर्पण किए जाते थे, वहाँ पर एक्सचेंज करके वहाँ कारोबार करते बाजार।